कैसे हो सभी लोग? अभी चले जिन्होंने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेंड नहीं किया, मैंने इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो नहीं किया तो कर देना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर गेमिंग चैनल की सबकी लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, एक बार जरूर जाके चेकआउट करें। आने वाली हर वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना भूले, मतलब दबाना बिल्कुल ना भूले, मतलब पहले आप लोग नोटिफिकेशन दबाओगे तो आपको न्यू वीडियो देखने को मिलेगी, वरना आप हर एक न्यू वीडियो मेरे चैनल से मिस करने वाले हो। ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आएगी आप लोग मिस कर दोगे कभी। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। छोटी सी वीडियो आएगी, दो पहले से ऑलरेडी मैंने स्मैकडाउन की वीडियो डाल दी है। ठीक है, हमारा जो मेन इवेंट होता है स्मैकडाउन का वो होता है मतलब जिमी उसो एंड एंजल एंड डॉकिंस के बीच में है, या मोंटेस फोर्ड भी कह सकते हो, मोंटेस फोर्ड या एक टैग टीम मैच होता है। अलग कैसा मैच होता है मैंने इतना ये मेन इवेंट का नहीं देखा, लेकिन मेरे को इसके ऊपर मैंने आधा देखा। ठीक है, ये जो मैच होता है ना क्या लाजवाब मक्खन मैच होता है। ठीक है गाइस, मैंने मक्खन बोल दिया इस ये वाली वीडियो में, तो एक अच्छा मैच होता है, बेहतरीन मैच होता है। गलती से रेफरी क्या है मतलब एंजल एंड डॉकिंस मोंटेफोर्ड जीत जाते हैं, मतलब जिमी उसको धक्का देते गए रेफरी को, बोलते कि तुमने बराबर नहीं गिना है, हम लोग जीतने वाले थे, लेकिन जीत जाते हमारे एंजल एंड डॉकिंस मोंटेफोर्ड एंड एंजल एंड डॉकिंस ये वाले मैच में जीत जाते हैं, यानी स्ट्रीट प्रॉफिट जीत जाते हैं। ठीक है गाइस, और जो समर्स लैम के लिए अपोनेंट था, मतलब अपोनेंट बोल रहा हूँ सॉरी, जो रेफरी था द स्पेशल गेस्ट रेफरी थे मतलब इनके मैच के लिए WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए, वो और कोई नहीं है बल्कि हमारे हॉल ऑफ फेमर अलग कौन तो भी रह चुके हैं, अलग क्या नाम है मुझे इतना नहीं मालूम है, मतलब आते हैं हमारे जो क्या नाम है इनका भी मुझे नहीं मालूम है, एडम पियर्स आते हैं, एडम पियर्स वो ये अनाउंसमेंट करते कि जो अलग क्या तो भी नाम है मतलब हॉल ऑफ फेमर ये वो होने वाले स्पेशल गेस्ट रेफरी फॉर दी WWE समर स्लैम 2022 में, जो ये स्पेशल गेस्ट रेफरी है वो तो नहीं मालूम मुझे कौन है। ठीक है, और इनका मैच अच्छा होने वाला है, बताया जा रहा है कि इन लोग हार भी सकते हैं ये वाले मैच में, समर स्लैम में अगर हार जाते तो पूरी की पूरी जो ब्लड लाइन है वो टूट के आधी चकनाचूर हो जाएगी, यानी अगर जिमी उसको हार जाते टैग टीम टाइटल्स को, फिर मतलब समझो रोमन रेंस भी अपने टाइटल को हार जाने वाले। आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो ये जो लोगो मैंने लगाया है, मतलब ये मतलब रेफरी ने दो काउंट डाला, कितने काउंट किए थे। ठीक है गाइस, तो ये वाले मैच में तो मुझे बहुत मज़ा आया, बाकी आपको ये वाला मैच कैसा लगा कमेंट में बताना, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल